अच्छा बोला, सही टाइम पे सही बात बोलना बहुत जरूरी है। आप सबके लोकप्रिय नेता विधायक, मेरे छोटे भाई विश्वजीत कदम साहब, प्रीतम सावंत जी, विशाल पाटिल साहब, महेंद्र जी, पृथ्वीराज पाटिल जी, जितेश कदम जी, चंदू सेठ कदम साहब, हमारे सरपंच साहब, बुरली से, सुरगांव से, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और आप सब लोग जो अलग अलग गांव पंचायतों से यहां पर आज बैठे हो इस कार्यक्रम के लिए, मैं आप सबका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, जो स्वागत सत्कार किया, उसके लिए भी आप सब लोगों का, मंचासीन सभी नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बुरली और सुरगांव के, खासकर दो गांव के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण काम आज आपके बीच में होने जा रहा है और जिसके बारे में बाकी नेताओं ने बताया कि निर्माण का काम है, पुल का काम है और यातायात और भौगोलिक दृष्टि से गांव पंचायतों को जोड़ने का बड़ा महत्वपूर्ण काम है। उसके लिए मैं विश्वजीत कदम जी को, इनके सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, किसान भाइयों, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, नौजवान दोस्तों, आपने सब नेताओं के भाषण सुने और इससे पहले मैं अपनी बात बोलूं, मैं आज इस मौके पर स्वर्गीय पदमराव कमलम जी को याद करना चाहता हूं। पदमराव जी स्वर्गीय पायलट साहब के बहुत नज़दीकी थे और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी एक अलग जगह थी और आज मैं उनको इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि हर बार मुझे इस ज़िले में आने का मौका मिला, विश्वजीत जी के हर चुनाव में मुझे आने का मौका मिला। और मुझे याद है पतंगराव जी का जब आखिरी चुनाव वो लड़े थे तो उन्होंने, क्योंकि पायलट साहब हमेशा उनके कार्यक्रम में आते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सचिन, आपको मेरे कार्यक्रम में आना है चुनाव प्रचार के लिए। मैंने कहा कब आना है? उन्होंने कहा मैं तो चुनाव प्रचार आखिरी दिन ही करता हूँ। और आखिरी दिन वो कार्यक्रम करते थे मीटिंग में, मुझे साल याद नहीं लेकिन 14 की बात है, उनका जो आखिरी चुनाव था, चुनाव के आखिरी दिन 3 या 4 बजे थे, 5 बजे चुनाव की सीमा समाप्त हो जाती है, उनका आखिरी प्रचार हम लोगों ने किया। और उसके बाद मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बेटे ने, विश्वजीत जी ने जिस मजबूती के साथ उनके काम को आगे बढ़ाया, उनके नाम को आगे बढ़ाया, मैं समझता हूँ आप सब लोगों को, इस क्षेत्र के सब लोगों को बड़ा फख्र होना चाहिए, बड़ा गर्व होना चाहिए कि एक नौजवान व्यक्ति ने उस मुश्किल घड़ी का सामना किया आपके आशीर्वाद के कारण और आज आपके बीच में एक मजबूत नेता के रूप में आपके बीच बैठे हैं, आपके बीच खड़े हैं। तो मैं उनको इस बात की बधाई देता हूँ कि राजनीति में कौन किस घर में जन्म लेगा ये हमारे हाथ में नहीं, हम किस समाज में पैदा होंगे, किस जाति में पैदा होंगे हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन होश संभालने के बाद हम अपनी बोली से, अपने काम से, अपने आचरण से, अपने कार्यशैली से, अपनी सोच से एक पहचान बनाते हैं और ये संबंध जो बनते हैं मतदाताओं का, क्षेत्र के लोगों का, किसानों का, गाँव वालों का और जनप्रतिनिधि का, ये संबंध आसानी से नहीं बनते, क्योंकि संबंध जैसे ताली दो हाथ से बजती है, संबंध भी दो तरफा बनते हैं। अगर मतदाता वोट डालता रहे हर 5 साल में और जनप्रतिनिधि काम नहीं करे या विकास नहीं कराए तो जनता अगली बार वोट नहीं देती है। आप किसी के बेटे हों, किसी के पोते हों, किसी के भांजे हों, अगर आप जनता के बीच में जाकर उनका मन नहीं जीतते, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने खून पसीने से इलाके को नहीं सींचते तो लोग फिर दोबारा वोट नहीं डालते। और नेता भी अगर काम करता रहे, विकास भी कराए, ईमानदारी से काम करे और जनता वोट नहीं डाले तो फिर मन खट्टा हो जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में जो कांग्रेस का एक मजबूत स्तंभ है उसको लगातार सींचने का काम आप लोगों ने किया है, उसको पोषित करने का काम किया है। और कदम साहब जब राजनीति में पहली बार आए थे तो बिल्कुल गाँव से शुरुआत करी और मैं आज बात कर रहा था घर में तो अपने घर में सबसे पहले पढ़े लिखे व्यक्ति वही थे और उन्होंने सिर्फ अपने आप को एक तालुका, एक पंचायत
एक क्षेत्र में सीमित नहीं रखा, पूरे क्षेत्र का विकास हुआ। आज सिंचाई के क्षेत्र में इस जिले में जो किसान खुशहाल है, अभी एक किसान भाषण दे रहे थे और मैं तो AICC में महासचिव हूँ, मैं जानता हूँ लोग टिकट लेने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन हमारे किसान भाई ने शादी करने के लिए क्या क्या नहीं किया, भाषण दे रहे थे, वो झूठ भी बोलवा दिया, नकली नौकरी भी लगवा दी। तो मैं सोचा कि टिकट लेने के लिए नेता बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पता पड़ा कि शादी करने के लिए भी सब कुछ करना पड़ता है। तो इलाके के किसान अभी यहाँ अंगूर है, गन्ना है, अनार बोलते हैं हमारे, अनार को क्या बोलते हैं, तो तीनों जो फल हैं, जैसे यहाँ की जनता मीठी है, ऐसे ही वो अंगूर और गन्ना और अनार के लोग और रस जो है बहुत मीठा होता है। तो ये संयोग नहीं है, हो सकता है यहाँ पे करेला होता लेकिन करेला नहीं होगा, क्योंकि तो सांगली के लोग मीठे बहुत हैं, तो यहाँ कड़वी चीज नहीं हो सकती। लेकिन आप सब लोगों ने जो संबंध बनाया है वो कोई साधारण बात नहीं है। और मैंने अक्सर देखा है, पिछले 20-25 सालों से मैं राजनीति में हूँ, अनेकों बार मुझे महाराष्ट्र का दौरा करने का मौका मिला है, प्रचार में मैं गया हूँ, लेकिन इस जिले की खास बात है जो अपनापन है, जो प्यार मोहब्बत है, जो प्रेम है, जो एक दूसरे का समर्थन करने की जो एक इच्छा शक्ति है, वो साधारण बात नहीं है। और मैं बार बार इस बात को दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी आँखों से सुजीत जी को देखा है, इनके स्वर्गीय पिताजी को देखा है और काम करते हुए देखा है, मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए, पार्टी के पदों पर रहते हुए, युवक कांग्रेस में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ अपने क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देना, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये पुल निर्माण की मैं बात कर रहा था, मुझे बताया कि लगभग इसमें 24-25 करोड़ रुपए का इसमें बजट इसका प्रावधान किया गया है। और किसी एक नेता ने बोला कि अभी सरकार दूसरी पार्टी की है तो वो लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं कि इस पुल के निर्माण में हमने भी कुछ किया है। अब आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं किसकी सोच थी, किसने योजना बनाई, किसने जमीन अक्वायर करवाने का काम किया, किसने बजट सैंक्शन का काम किया, किसने यहाँ पर आज और आज हम सब यहाँ मौजूद हैं इस काम को शुरू करने के लिए। तो मैंने अक्सर देखा है कि श्रेय लेने की एक नेताओं में होड़ होती है, और जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने एक कुर्ता पजामा पहन रखा है, मैं बाजार जाऊं, मैं दुकान ढूंढूं, मैं थान को लूं, कपड़ा कटवाऊं, दर्जी को लेकर आऊं, उसको पैसे दूं, कपड़ा ये पजामा कुर्ता सिलवाऊं, और दूसरा आदमी आके बटन और नाड़ा लगाए बोले मैंने बनाया है, तो चलता नहीं है। तो जनता सब जानती है ये बाढ़ से जो तबाही हुई थी इस क्षेत्र में, हम सबको याद है इतने कठिन समय से ये क्षेत्र निकला था। और मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ विश्वजीत का, इन्होंने उस समय सिर्फ एक विधायक के नाते नहीं, एक घर में जो बच्चा बेटा भतीजा भांजा होता है उस तरह इन्होंने घर घर जाकर उस कठिन समय में काम किया, हजारों लोगों को न सिर्फ बचाया, पुनर्वास करने का काम किया, और अपनी परवाह करे बिना, अरे कितने सारे विधायक है विधानसभा में महाराष्ट्र में, ऐसे कितने विधायक होंगे जो अपनी परवाह करे बिना इस क्षेत्र के लोगों को नाव में जाना, लोगों को बचा कर लाना, विदेश से बोट मंगाना, प्रशिक्षण करवाना, ये जो एक अपनेपन की बात होती है। और साथियों मैं हमेशा कहता हूँ जब अच्छा समय होता है, घर में खुशियाँ होती हैं, ब्याह शादी होती है, त्यौहार होता है, तो सब मेहमान लोग आते हैं, सब लोग मिलने आएंगे, लेकिन जब कठिन समय आता है, जब मुश्किल आती है, जब चुनौती आती है, तो सिर्फ अपने काम आते हैं, कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं होता। जब चुनौती और कठिन समय आता है तो उस समय आप लोगों के बीच में रहकर जो काम किया वो एक मिसाल बनी, और इसलिए वो समय की सोच थी कि अगर अगली बार ऐसी बाढ़ आती है तो बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सड़क को ऊंचा बनवाना है, लोगों को सुरक्षित रखना है। और जो नेता दूरदर्शी रखते हैं, जो दूर की सोच सकते हैं, जो योजना बना सकते हैं, उन्हीं में क्षमता होती है विकास करने की। बाकी विधायक कोटा तो हर विधायक के पास होता है, वो हमेशा पैसा सैंक्शन करता रहता है, लेकिन आगे की सोच कर रखना ये विश्वजीत ने इस क्षेत्र में किया। और जैसा ये खुद बोल रहे थे भाषण में, मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा था कि उन्होंने मुझे कहा कि मेरे क्षेत्र में बड़ा ये काम हो रहा है और इन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विश्वजीत आपका कि आपने मुझे जनता के दर्शन करने का मौका दिया, आपके साथ साथ मुझे भी इस क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। आपके इस विकास के एक शुभ काम में मैं हिस्सेदार बन पाऊंगा, भागीदार बन पाऊंगा, ये मेरा सौभाग्य है। और दोस्तों राजनीति में
अब समय बदल रहा है, अलग तरह का इस देश में प्रदेश में माहौल बना है, और मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि हम लोगों को पहचान करना बहुत जरूरी है, अच्छे में बुरे में, अपने में पराए में। अगर हम समझेंगे नहीं कि कौन हमारे दुख और सुख में भागीदार रहा, किसने हमारी सुरक्षा करी, कौन हम उसका हाथ पकड़ के मदद मांग सकते हैं, वो पहचान करना बहुत जरूरी है। और सरकारें आई हैं, नहीं आएंगी, बिगड़ जाएंगी, पार्टियां बनी हैं तो और आ जाएंगी, लेकिन जो नेता हमसे जुड़ाव रखते हैं, जो अच्छे बुरे समय हमारे साथ रहे, उनके पहचान करना, और आप हिम्मत और ताकत दोगे उतना ही नेता बड़ा बनता है। मैं भी 20-25 साल से राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन पद हो ना हो, जनता का प्यार किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ी पूंजी होती है, और वो आप आशीर्वाद अगर देते हो तो फिर निडर हो जाता है इंसान, और निडर होकर फिर आपकी वकालत करनी हो, मुंबई में करनी हो, नागपुर में करनी हो, कहीं भी जाकर करनी हो, तो बात हम लोग कर सकते हैं। आज देश की राजनीति में जिन लोगों के पास सत्ता की आज ताकत है, वो उसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? तो देश में जो वातावरण बना है कि विपक्ष मुक्त कर दो, अभी एक सज्जन भाषण दे रहे थे कांग्रेस के बारे में, बोल रहे थे 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, देश की आजादी से पहले आजादी के बाद एक इतिहास है। कुछ कमियां हो सकती हैं हर दल में, हर संगठन में, लेकिन पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में आज भी कांग्रेस का झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसलिए हम उस पार्टी के सब लोग हैं जिस पार्टी ने बहुत कुछ देश को दिया और जनता के बीच में काम कर दिखाया। आज जिन लोगों के पास शासन है, भाषण देना, प्रचार करना, 24 घंटे टेलीविजन पे बोलना, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, अखबार में, सब जगह प्रचार पूरा चल रहा है, लेकिन जो खाई बन गई, जो दूरी बन गई है अमीर और गरीब में, गांव और शहर में, वो भी चिंता का विषय है। देश में 45% इस देश की संपत्ति, ध्यान से सुनना, इस देश की 45% संपत्ति, जो पैसा है 45%, वो देश में 1% लोगों के हाथ में, 1% देश के लोग 45% संपत्ति के मालिक हैं। तो हमारे जो बड़े बड़े कारखाने हैं, हवाई अड्डे हैं, रेलवे हैं, बांध हैं, बिजली घर हैं, वो सरकार की संपत्ति, जनता की है, वो चंद लोगों के हाथ में चली जाएगी। एक ऐसा कानून बनाया था कुछ साल पहले, 3 काले कानून बनाए किसानों के विरोध में, मंडियों को समाप्त करना चाहते थे, निजी लोग फसल खरीद करेंगे, किसानों के अहित में जो काम हुआ उसका विरोध हम लोगों ने किया, और मैं आपको आश्वासित करता हूँ इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो किसान और मेहनतकश लोग, और इन किसानों की मदद और उनको संबल देने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग करते रहेंगे। और मुझे खुशी है कि इस क्षेत्र में कदम साहब ने जो सिंचाई के साधन यहाँ पर आपको उपलब्ध कराए, आज हमारा किसान संपन्न है, आज सबकी शादियां हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ का किसान मजबूत हुआ। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और हमारा देश सबसे ऊपर है, पार्टी से, विचारधारा से, दलों से ऊपर उठकर हमारा देश, हमारा मुल्क है। इसमें अलग अलग भाषा है, धर्म है, जाति है, बिरादरी है, समुदाय है, हम अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं, लेकिन एक इनको रखना, इतने बड़े मुल्क को आप कल्पना करो, 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, उन सबको एक सूत्र में बांध कर रखना, ये वही लोग कर सकते हैं जिनकी सोच ऐसी हो और जिनकी इच्छा शक्ति हो। आपस में झगड़ा करवाना, विवाद पैदा करना, लोगों के अंदर द्वेष की भावना पैदा करना बड़ा आसान है, इन्हीं दो लोगों को झगड़ा कराना बड़ा आसान है, लेकिन झगड़ते हुए दो लोगों को आपस में बिठाना वो मुश्किल काम है। और हम उस विचारधारा से आते हैं, हम सबको साथ लेकर चलें, सबको मान सम्मान दें, सबको बराबरी दें, इज्जत दें, भागीदार बनाएं, लोगों को लगे इस क्षेत्र में सिर्फ वोट डालना राजनीति नहीं है, सिर्फ वोट लेना लोकतंत्र नहीं है। हमारे देश में जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को लगातार जो लोग खोखला बनाना चाहते हैं, उसका विरोध हम लोगों को करना है। इन संस्थाओं की विश्वसनीयता को जो खत्म कर रहे हैं, उस पर हमें कुछ लगाना पड़ेगा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश पूरे जिले में जाना चाहिए, इस पूरे क्षेत्र में जाना चाहिए कि हम सब लोग, और विशेष रूप से हमारे नौजवान साथी विश्वजीत कदम जी, आपके विकास के लिए समर्पित हैं। और मैं जानता हूं पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने रिकॉर्ड जीत यहां से कांग्रेस पार्टी की कराई थी। विश्वजीत, क्या मार्जिन था आपका पिछला मार्जिन? 1,60,000 का अंतर था। मेरा तो आपसे इतना अनुरोध है
अभी चंद महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, एक दो महीने बाद, उसके एकदम बाद विधानसभा के चुनाव हैं, और मैं फिर आपके बीच में अपनी पार्टी के लिए, सुजीत जी के लिए वोट मांगने आऊंगा। कि मेरा मन ये कहता है कि अगर आपको इस देश में, महाराष्ट्र में अपना नाम कमाना है, तो कृपया करके पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ो और इस बार 175 रिकॉर्ड बनाओगे तो हम सबको लगेगा कि हमारे काम को आप लोगों ने पहचाना है। पूरा परिवार आपके लिए समर्पित रहा है, और मैं जानता हूँ उस नौजवान को, क्योंकि मैं पिछले 15-20 साल से इनको देख रहा हूँ। जो शुरुआत में नया व्यक्ति विधानसभा जाता है, राजनीति करता है, युवा कांग्रेस में रहता है, वो एक अलग तरह का नेता बनता है, लेकिन आज ये उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि समाज में और प्रदेश में इस क्षेत्र की अलग पहचान बना सकते हैं। जितना आप ज़्यादा ताकत दोगे, मजबूती दोगे, उतना ही राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे, खड़गे जी के हाथ मजबूत होंगे, हम सब के हाथ मजबूत होंगे। इसलिए इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर बुलाया सुजीत जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार हम सबके आग्रह को जनता मानेगी और 1,60,000 वाला रिकॉर्ड टूटेगा और 2.25 लाख वाला रिकॉर्ड बनेगा अगले विधानसभा चुनाव में। मुझे पूरा विश्वास है, और जिस मेहनत से, लगन से आप सबको साथ लेकर चले हो, अपने विकास के काम कराए हैं, उसको जनता पसंद करेगी। और आपको मैं अंत में बताना चाहता हूँ कि जब भी सांगली जिले में या जहाँ भी विश्वजीत जी और आप लोग चाहोगे, आपको मदद करने के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, हम हमेशा खड़े रहेंगे, 24 घंटे आपके साथ रहेंगे, इस बात का मैं आपको आश्वासन करता हूँ। और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि भगवान आने वाले समय में आपकी झोलियों में खुशियाँ भरे, आपको तरक्की के रास्ते पर ले जाए, आपके जीवन में खूब सारी मुस्कुराहट हो, आप फलो फूलो आगे बढ़ो, और सबका आशीर्वाद आपको मिलता रहे और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद जी।